गणेशपेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक वर्ष पूर्व हुए पुराने विवाद को लेकर चार लोगों ने कोयते व चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इस बारे में सहायक पुलिस निरीक्षक रियाज मुलानी ने अधिक जानकारी साझा की है। जानकारी के अनुसार रामकुलर के समीप नए शुक्रवार डॉक्टर आकरे के घर के समीप निवासी फिरियादी देविका ज्ञानेश्वर कलम्बे का पति ज्ञानेश्वर कलम्बे और माना हुआ लड़का राहुल गावरकर तथा तांडापेट लाल दरवाजा सभा हॉल के सामने पाचपावली निवासी अंकित उर्फ एवी चंद्रभान बोकड़े सभी सब्जी जमा कर रहे थे। इस दौरान आरोपी रामाजी वाड़ी निवासी सारंग उगड़े कर्नलबाग निवासी संकेत नाइक और दो विधि संघर्ष बालक दांडीकर गली से गणेशपेट परिसर के दांडीकर आटा चक्की के समीप मॉडल मिल्क चौक से रामकुलर चौक के रस्ते पर नई शुक्रवार प्रवीण टेलर की दुकान के बाजू में आकर सारंग उगड़े का भाई शैलेश उगड़े को फिरियादी के लड़के आकाश व उसके अन्य मित्रों का अप्रैल 2020 में हुए विवाद का बदला लेने के लिए आरोपियों ने मिलकर अंकित बोकड़े की पीठ एवं पेट पर कोयते चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वही जब फिरियादी अंकित को बचाने के लिए गई तो सारंग उगड़े ने फिरियादी को लात मार कर नीचे गिरा दिया और जान से मारने का प्रयास किया, जिसे फिरियादी ने अपने दोनों हाथों से रोका तो उसके हाथ पर कोयते से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। काल रात्रि पोस्ट गणेशपेट हद्दी मध्ये रामकुलर चौकच्या बाजूला काही इसमांनी एका मुलावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला होता। त्या अनुषंगाने आम्ही फिर्यादी देविका ज्ञानेश्वर कळंबे यांच्या फिर्यादीनुसार कलम 307, 188, 334, 326 और हत्यार कायदा 425 गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे। गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये चार आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत, त्यांचा शोध घेऊन त्यांना ताब्यात घेण्याचं काम चालू आहे। पुढील तपास आमचे सपोडी सानप साहेब हे करत आहेत। सदरचा हल्ला हा मुख्य आरोपी सारंग उगड़े याचा चुलत भावाचा मागील वर्षी 2020 भाजी विक्रीच्या कारणावरून मर्डर झाला होता, त्यातील हा जो जखमी आहे ह्या गुन्ह्यातील गुन्हा क्रमांक 167 2021 जो जखमी आहे अंकित बोकडे हा सुद्धा त्यात ज्युवेनाइल आरोपी म्हणून होता। तर त्याच्या रागावरून हा हल्ला झाला असून जो जखमी आहे अंकित बोकडे याच्यावर मेडिकल हॉस्पिटल येते उपचार चालू आहे। इस मामले में फिरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भांडवी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है व आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।